आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को मिली जमानत, अधिकारी की बैट से पिटाई के बाद पहुंचे थे जेल। बारिश के कारण पुणे में बड़ा हादसा, सोसाइटी की दीवार ढहने से 15 लोगों की मौत। रामविलास पासवान राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए, रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई थी ये सीट। छत्तीसगढ़ में पीएल पुनिया की नसीहत, मंत्री सुधारे अपना परफॉर्मेंस नहीं तो जा सकती है कुर्सी। और आकाश विजयवर्गीय विवाद में कूदी राखी सावंत, कहा कुछ बीजेपी नेताओं के बेटे पावर दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम अधिकारी से मारपीट मामले में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका को भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और उसके बाद आकाश विजयवर्गीय को जमानत दी। भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने निगम अफसर से मारपीट करने वाले भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 20-20 हजार के दो मुचलकों पर आकाश को जमानत दी। इससे पहले विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने शनिवार सुबह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसी जानकारी भी सामने आई थी कि केस डायरी में पुलिस ने भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ दो धाराएं और बढ़ा दी थी, जिसमें शासकीय कर्मचारी को पीटने के अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा शामिल थी। जिला अदालत में आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस और शिवसेना से जुड़े वकील भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आकाश विजयवर्गीय एक जनप्रतिनिधि हैं, जो कानून बनता है। अगर ये लोग ही कानून तोड़ेंगे तो जनता के बीच इसका खराब संदेश जाएगा। वहीं सरकारी वकील ने भी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत न दी जाए। भाजपा विधायक के वकील ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि कानून के लिए जनप्रतिनिधि और सामान्य नागरिक सभी एक बराबर हैं। हमारे खिलाफ जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है वे सभी जमानती हैं, इसीलिए जमानत दे दी जाए। दोनों पक्षों के तर्क सुनकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आकाश को जमानत दी। आज इस न्यायालय में न्याय हुआ है, सत्य की जीत हुई है। इंदौर के वरिष्ठ अभिभाषक श्री अविनाश शिरपुरकर जी, स्वयं मैं, इंदौर के श्री प्रमोद सक्सेना जी ने आकाश विजयवर्गीय जी के लिए अपना पक्ष रखा। जिस प्रकार से लोगों के लड़ते हुए उनको एक झूठे प्रकरण में फंसाया गया, अपनी शिकायत करने, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने जब वो थाने पहुंचे तो उन पर झूठा प्रकरण दर्ज कर उन्हें गलत न्यायालय में प्रस्तुत भी किया गया। जिस दबाव प्रभाव से वो प्रकरण दर्ज हुआ है, उस प्रकरण में हमने कल माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। आज उसमें हमने अपना पक्ष रखा। माननीय वरिष्ठ अभिभाषक श्री अविनाश सिरपुरकर जी ने आवेदक आकाश विजयवर्गीय जी के लिए बहस की, हमने उनको असिस्ट किया और हमारा तर्क था कि ये एक झूठा प्रकरण दर्ज हुआ है। एक विधायक के नाते उनकी जिम्मेदारी भी है और दायित्व भी है कि लोगों के ऊपर अगर अत्याचार हो तो वो बात करने जाएं। प्रथम दृष्टया कोर्ट ने ये माना है कि ये जांच का विषय है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अभी उनको जमानत दी जाती है। आकाश विजयवर्गीय ने जो गरीबों हित की लड़ाई लड़ी है, जो जनता हित की लड़ाई लड़ी है, मध्य प्रदेश सरकार जनता को बिजली नहीं दे पा रही, अगर विधायक उसके लिए संघर्ष करता है तो उस पर प्रकरण दर्ज करती है। मध्य प्रदेश सरकार जनता को बेघर कर रही है, अगर विधायक उसके खिलाफ संघर्ष करता है तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज होता है। आकाश विजयवर्गीय ने जनता हित की लड़ाई लड़ी है, माननीय न्यायालय ने आज उनको एक मौका दिया है कि जनता की लड़ाई आगे भी लड़ते रहे, मैं जनता की आवाज इसी तरह से उठाते रहे। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। पुणे में बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया, इसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा तेज बारिश के बाद एक सोसाइटी की दीवार ढहने से हुआ। पुणे में एक सोसाइटी की दीवार ढहने से 15 लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दीवार मजदूरों के शेड पर गिरी, जिसकी वजह से मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसा शहर के
कोडवा इलाके में हुआ। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी है। महाराष्ट्र में मानसून आने के बाद से ही भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मुंबई पुणे सहित कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मुंबई में भी बारिश को लेकर 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। अब तक वहां भी 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रामविलास पासवान राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके साथ ही उनकी लोक जनशक्ति पार्टी का राज्यसभा में खाता खुल गया है। पासवान से पहले इस सीट से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद राज्यसभा में थे। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान शुक्रवार को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए हैं। इसके साथ ही राज्यसभा में पासवान की पार्टी का खाता फिर से खुल गया है। विधानसभा के सचिव और निर्वाचन अधिकारी बेटेश्वर पांडे ने पासवान को प्रमाण पत्र प्रदान किया। पासवान का कार्यकाल अप्रैल 2024 तक रहेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद राज्यसभा की यह सीट खाली हुई थी। पासवान को प्रमाण पत्र दिए जाने के समय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और श्रम नियोजन मंत्री विजय सिन्हा के अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने राज्य सरकार में काम कर रहे मंत्रियों को बेहतर परफॉर्मेंस देने की नसीहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्हें मंत्री बनाया गया है, अगर वे अपनी कार्यप्रणाली में बेहतर सुधार कर पाने में असमर्थ रहते हैं तो उनकी कुर्सी जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी मंत्री यह ना सोचे कि यह कुर्सी उन्हें पूरे 5 साल के लिए मिल गई है। अगर परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो वे कार्यकाल से पहले ही मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। रायपुर में पुनिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली थी। भूपेश बघेल के नेतृत्व में बूथ स्तर तक लोगों ने मेहनत की थी। मंत्रिमंडल का गठन हुआ, एक सीट खाली थी, वो अमरजीत भगत को मिली। वो बहुत जुझारू वरिष्ठ कांग्रेस जन है, 4 बार के विधायक है, उन्हें मौका मिला। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहन मरकाम को मौका मिला। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि वो किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाए। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उसके बाद फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें मंत्री बनाया गया है, अगर वे अपनी कार्यप्रणाली में बेहतर सुधार कर पाने में असमर्थ रहते हैं तो उनकी कुर्सी जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी मंत्री यह ना सोचे कि यह कुर्सी उन्हें पूरे 5 साल के लिए मिली है। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, धर्मेंद्र साहू और अमितेश शुक्ल की भूमिका को लेकर पुनिया ने कहा कि उनकी भूमिका भी तय की जा रही है। ऐसा नहीं है कि मंत्री 5 साल के लिए बनाए गए हैं, इनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। साल भर बाद इनके परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी। तय पैमाने पर जो मंत्री खरे नहीं उतरेंगे उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप लोगों को लंबा काम करना है, हमारा तो पता ही नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि कई खेमों में बटी कांग्रेस में अपने पद को लेकर मंत्री भी आशंकित है। इस समय कांग्रेस सरकार में 3 प्रमुख गुटों में से 2 मंत्रियों को हटाने की चर्चा है। 6 मंत्रियों को हटाए जाने को लेकर हाईकमान को भी इत्तला कर दी गई है। ऐसे में सिंधिया खेमे के मंत्री सबसे ज्यादा परेशान हैं। सामने भले ही कोई कुछ ना कह रहा हो, लेकिन गाहे बगाहे मंत्रियों का दर्द और उनकी शंका जुबान तक आ जाती है। भोपाल की प्रशासन अकादमी में आयोजित एक विभागीय कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की जुबान पर यह दर्द कुछ शब्दों के जरिए सामने आ गया। चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि आप लोग स्थायी हैं, आपको लंबे समय तक काम करना है, हमारा तो कुछ पता ही नहीं है। बहुत लंबे समय से इस विभाग में काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। मैं तो अभी जैसा भी चतुर्वेदी जी बता रहे थे, 25 दिसंबर से आप लोगों के विभाग में ज्वाइन किया हूं, तो मुझे भी उस सत्ता हमेशा रहती है कि विभाग में क्या क्या होता रहा है और कैसा अच्छा और क्या कर सकते हैं हम, इसमें इम्प्रूवमेंट, ऐसा मन में हमेशा मेरे आता रहता है। आप लोगों के लंबे समय से काम कर रहे हैं और आगे लंबे समय तक काम करेंगे। मेरा मुझे पता नहीं मैं कब तक रहूंगा, और किसी को भी पता नहीं। आप लोगों को लंबे समय तक काम करना है। बल्ला लेकर नगरपालिका कर्मचारियों को धौंस दिखाने वाला भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल जेल की हवा खा रहा है। नगरपालिका के कर्मचारियों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अग्रवाल के खिलाफ धारा 186 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद उसे आज सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया।
इससे पहले मामले को गंभीर मानते हुए दमोह कलेक्टर तरुण राठी ने नगर पालिका सीएमओ कपिल खरे को निर्देश दिए थे कि वह संबंधित आरोपी के खिलाफ कोतवाली में जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। उसके बाद सभी नगर पालिका कर्मचारी और सीएमओ कोतवाली पहुंचे, जहां पर आरोपी के खिलाफ धौंस देने की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम अफसर को बैट से पीटा था। ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि दमोह से ये तस्वीर सामने आई थी, जहां विवेक अग्रवाल बल्ला लेकर लेखाधिकारी को धमकाने पहुंचा था। गुरुवार को ही भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मनीष तिवारी ने इससे जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसमें भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा किए गए कृत का हवाला देकर एक मैसेज लिखा गया था कि जिसमें दमोह भाजयुमो उपाध्यक्ष भी अपने वार्ड के कार्यों के लिए नगरपालिका कर्मचारियों को बैठ के साथ चेतावनी दे रहा है। साथ में ये भी लिखा था कि पहले आवेदन, फिर निवेदन और उसके बाद दे दनादन। शुक्रवार को भी विवेक अग्रवाल फिर से नगरपालिका पहुंचे, उन्होंने बैट भी थाम रखा था। शुक्रवार को इसका वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद कलेक्टर हरकत में आए और सीएमओ को इस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा, जिसके बाद वो जेल पहुंचा। एमपी के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफे की पेशकश की थी, वैसे भी दो पदों पर रहना संगठन के नियमों के विपरीत है। खनिज मंत्री ने कहा कि अगले 3 महीने में प्रदेश में नई रेत नीति लागू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में दीपक बावरिया के अलावा किसी ने भी खुद होकर अपना पद नहीं छोड़ा है। इस बीच खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि कमलनाथ जी ने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही इस्तीफे की पेशकश की थी। जब तक केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में कोई फैसला नहीं करता, तब तक कमलनाथ संगठन चला रहे हैं। दो पद वैसे भी संगठन के नियमों के विपरीत है। देखिए, जहाँ तक कमलनाथ जी के इस्तीफे का सवाल है, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने चुनाव के रिजल्ट के बाद ही अपना इस्तीफे की उन्होंने पेशकश की थी कि हार के जवाबदारी प्रदेश के मैं लेता हूँ। और जहाँ माननीय राहुल गांधी जी की जब बात आई, तो उन्होंने पुनः इस बात का जो उनको बात को दोहराया और ये भी कहा कि चूंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ तो दो पद वैसे भी संगठन के नियम के विपरीत है। तो जब तक केंद्र सरकार के हमारे केंद्रीय नेतृत्व तो उसका फैसला नहीं करता कि नया अध्यक्ष बन जाए, तब तक वो चला रहे हैं। नई रेत नीति को लेकर प्रदीप जायसवाल ने कहा कि वर्षकाल शुरू हो चुका है और जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने रेत का खनन पूरी तरह बंद रहेगा। हमारी कोशिश है कि 3 महीने में नई नीति को लागू करें। अक्टूबर तक जितनी भी रेत खदान है वो और जो 40% खदान चिन्हित नहीं थी, उन सबके टेंडर किए जाएंगे। इस बीच पंचायत से जुड़े रेत माफियाओं को खत्म करने का काम किया जाएगा। और इस वर्षा काल में जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना ये रेत का खनन पूर्णतः बंद रहेगा, इसलिए किसी मशीन का उपयोग करना तो असंभव है। और हमने जो प्रयास किया कि इन 3 महीनों में नई नीति को लागू करना, नई खदानों को नए ग्रुप की उसके टेंडर की कार्यवाही चल रही है। हमारा प्रयास है कि अक्टूबर तक मध्य प्रदेश की जितनी भी रेत खदान है, और बल्कि अभी तक जो 40% खदानें चिन्हित नहीं थी बीजेपी के शासन में, और उन 40% लावारिस खदानों से अवैध उत्खनन होता था, हमने ऐसी लावारिस 40% खदानों को भी चिन्हित किया है और उसको भी हमने टेंडर में डाला है, ग्रुप में डाला है। तो हमारा ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश कोई भी खदान ऐसे लावारिस नहीं रहेगी जिसकी कोई एजेंसी ना हो, जिसके ऊपर कोई ठेकेदार ना बैठा हो, ऐसी एक भी खदान नहीं बचेगी। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रंगे हाथों 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। पटवारी खेत के सीमांकन के लिए किसान से कई दिनों से रिश्वत की मांग कर रहा था। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेकर सीमांकन करने वाले पटवारी प्रदीप मिश्रा को रंगे हाथों पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। भ्रष्टाचार की सीमा पार कर राजस्व विभाग के पटवारी और आरआई ने हद कर दी है। बताया जाता है कि अकोरी हलका के पटवारी प्रदीप मिश्रा ने वर्षों से किसानों को त्रस्त करके लाखों की लूट मचा रखी थी।
अक्सर किसानों से किसी न किसी काम के लिए पैसा लूटते रहते थे। शिकायतकर्ता प्रधान लाल सोनकर की शिकायत पर लोकायुक्त ने 20 सदस्यीय टीम के साथ प्रदीप मिश्रा के किराए के घर में छापामार कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। 5,000 क्या कह रहे थे? कम से कम 10,000 रुपया दो कर तुम्हारी सीमांकन करेंगे। इसलिए मांगा गया था सीमांकन फिर उसके बाद सर बाद में हमने हाथ जोड़ा बिल्कुल मांगा कि सर हम गरीब आदमी हैं पैसे नहीं हम कहाँ से दे पाएंगे तो कई मिनट में पैसे कम नहीं होंगे और कल ठीक है सर मैं व्यवस्था कर लूँगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि 5,000 दे दूँ मैं तुम्हारा काफी मुश्किल ये पटवारी है जी सीमांकन का कार्य कराने के लिए 10,000 रुपये इनसे सीमांकन उनका शिकायत सत्यापन किया गया। शिकायत सत्यापन पर उन्होंने 5,000 रुपये ईश्वर सीमांकन का सुनवाने किया जिस पर उनके लिए तैयार कार्ड दिए और आज 29 तारीख को उनको 5,000 रुपये देते हुए रंग हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि खेत के सीमांकन के लिए 5,000 पर पटवारी प्रदीप कुमार तैयार हुआ जिसकी शिकायत मैंने लोकायुक्त में कर दी थी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जवा से ही RI सीमांकन के नाम पर 5,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। फिर भी इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बिना डर के किसानों से कभी सीमांकन पे तो कभी नक्शा खसरा के नाम पर रिश्वत मांगते ही रहते। मानव तस्करी के संदेह में ट्रेन से 13 बच्चों को उतार लिया गया। इन बच्चों को बिहार से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। बच्चों को ले जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही। मानव तस्करी का एक और मामला सामने आया है। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर शालीमार कुर्ला हावड़ा एक्सप्रेस की बोगी नंबर S8 से 13 बच्चों को उतारा गया है। इन सभी बच्चों को एक व्यक्ति महाराष्ट्र के धामन गांव स्थित मदरसे में ले जा रहा था। उसने पूछने पर बताया कि सभी बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। अब आगे की कार्रवाई RPF और GRPF कर रही है। करीब 8:30 बजे कि वाले हमसे बातचीत करने की सूचना मिला था कि आपका शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस में ऐसे एक बॉलीवुड के बच्चे को ले जा रहा है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकता है। इस आधार पर मैंने अपना GRP को साथ में लेकर के वो गाड़ी में अरेस्ट किया और 13 बच्चों को राजूगढ़ कंपनी से उतारा हूँ और उतर कर यहाँ लाए। लाने के बाद में जो नियम है वो प्राथमिक जाँच किया हूँ, प्राथमिक जाँच में पूछताछ किया हूँ। ये सभी बच्चे बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के हैं और इनको उनके जो लेकर जा रहे हैं उनके कथन अनुसार यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में कहीं ले जा रहा है मदरसा में। आगे की जाँच इसी गलती से करेंगे। अगवा भी कर रहा है वो 112 में 100 इसमें जो है पुलिस में उनका ऐसी खबर कर देता है चलते चलाते। अब भी बेचारे पुलिस वाले भी क्या करेंगे, वो भी मजबूर होते हैं भाई चलो पता तो किया जाए क्या है। अब रिजर्वेशन छुटा बच्चे जा रहे हैं और ये मौसम है उनका जाने का मदरसा खुलने का रमज़ान के बाद में, रमज़ान के 20 दिन बाद में करीब करीब मदरसा खुल जाता है, स्कूल खुल जाते हैं तो उसमें जो है बच्चे जाते हैं। अब ये बच्चे जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में जो है कोई कुछ भी थोड़ा सा जो भी ये बोलो दुश्मनी से बोलो या मोहब्बत में बोलो नफरत में बोलो या प्यार में बोलो वो जो है उनको पुलिस को फोन कर दे रहा है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कंट्रोल रूम रायपुर ने इसकी सूचना GRP को दी थी। इस पर ट्रेन के दुर्ग स्टेशन पहुंचने GRP ने बोगी S8 की तलाशी ली जहां से 13 बच्चे मिले। सभी 13 बच्चे पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं। आरोपी सभी को धमन गांव महाराष्ट्र ले जा रहा था। GRPF थाना प्रभारी ने बताया कि इसकी सूचना चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी एवं महिला बाल आयोग को दे दी जा चुकी है। डांसर और टीवी आर्टिस्ट राखी सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बीजेपी के कुछ नेता और उनके बच्चे अपना पावर दिखाने से बाज नहीं आते, ये अच्छी बात नहीं है। राखी का निशाना इंदौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय पर था। राखी इंदौर में मीडिया से बात कर रही थी। राखी सावंत ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम के तरीके को लाइक करती हैं। मोदी रॉक्स करके उन्होंने कहा कि अगले 20 साल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी के आने से महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, विकास के मामले में भी बहुत काम हुआ है। मीडिया कर्मियों ने राखी से जब विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय की हरकत को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा बीजेपी सरकार अच्छी है लेकिन कुछ नेता और उनके बेटे पावर दिखाते हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है लेकिन कुछ नेता या उनके बच्चे होते हैं वो पावर दिखाते हैं। और मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं देश बनाने के लिए,
लेकिन कुछ लोग ऐसे गंदा पावर दिखाते हैं, दोस्त जमाते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक यू नो यूथ रहना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे गरीबों पर ऐसे अत्याचार नहीं करने चाहिए। एंड अभी ये 5 साल मिले हैं और 10 साल हुए हैं, आगे के 20 साल भी उन्हीं के हैं, मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। और वो उनके आने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हुए हैं और महिलाएं सुरक्षित हैं और काफ़ी विकास हुआ। राखी ने बताया, मुझे फिल्मी दुनिया में बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। कई लड़कियां होती हैं जो 1-2 साल में हिम्मत हार जाती हैं। इन्हें हर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरा बचपन गरीबी में बीता, 5 साल के संघर्ष के बाद मुझे सफलता मिली। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में रहती हैं, जब भी कुछ बोलती हूँ तो बवाल मच जाता है। इस बारे में कहना चाहती हूँ कि मैं डरने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। अब जब लड़के बोल सकते हैं तो लड़कियों को बोलने का अधिकार क्यों नहीं है। इंदौर विधायक आकाश विजयवर्गीय के निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई करने के बाद उन्हें जेल भेजने से नाराज समर्थकों ने खुद पर घासले डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। विजयवर्गीय समर्थकों ने राजवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया और धरना दिया। बताया जा रहा है कि यहां भी समर्थकों ने आत्मदाह करने की कोशिश की। भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा नगर निगम अधिकारी की पिटाई पर अब सियासत तेज हो गई है। जहां एक ओर नगर निगम कर्मचारी विधायक की मारपीट का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी के कार्यकर्ता विधायक के समर्थन में धरने पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कुछ समर्थकों ने घासले डालकर आत्महत्या भी करने की कोशिश की। इंदौर के राजवाड़ा में विधायक समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन कर आत्महत्या की कोशिश की है। यह मामला दूसरा है जब आत्महत्या की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस और लोगों की मुस्तैदी के चलते घटना को अंजाम देने से रोक लिया गया है। चार दिन से लापता संतोष पटेल के परिजनों ने आईजी रीवा को ज्ञापन देते हुए संतोष के अपहरण की आशंका जताई है। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर संतोष का पता नहीं चलता है तो वह आईजी ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। रीवा के सुंदरनगर निवासी संतोष पटेल के परिजनों ने आईजी को ज्ञापन देते हुए अपहरण की आशंका जताई। परिजनों ने बताया कि बीते 24 जून की सुबह संतोष घर से बाहर गया था। शाम तक जब वो घर नहीं लौटे तो घर वालों ने फोन लगाना शुरू किया, लेकिन उनका फोन बंद मिला, जिसके बाद अगले दिन परिवार वालों के द्वारा विश्वविद्यालय थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि संतोष पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी का काम करता था तथा पिछले कुछ दिनों से साझेदारों से पैसों को लेकर विवाद भी चल रहा था, इसको लेकर वह काफी परेशान था। ये बोल के कि मैं 2 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। 12:12 में मेरे ही नंबर में कॉल किया गया है। वो फोन किए हैं कि मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, जीप मिल गई है, मैं 2 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। उसके बाद दोपहर से हम लोगों ने फोन लगाने स्टार्ट किया है, उनको फोन नहीं लगा, फोन कंटिन्यू 5 दिन से स्विच ऑफ आ रहा है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमें आज भी परसों के लिए बोला गया कि कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आज तक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिली। क्या ऐसा है कि BSNL का नंबर 1-1 हफ्ते 10-10 दिन का क्या कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी? तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, वेट करेंगे कि जब कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाए तब आगे की कार्रवाई हो। उनकी फोटो दी गई पुलिस थाने में, पूछताछ नहीं हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर बाईपास तक के लिए कई कैमरे हैं, वहाँ CCTV फुटेज नहीं देखा गया। अब ये क्या हमारा काम है? हम जाके करेंगे कि पुलिस का काम है? पुलिस एक्शन लेगी तब ना वहाँ पर दिखाएंगे, हम लोग को तो नहीं दिखाएंगे डायरेक्टली। हम चाहते हैं कि किसी भी हाल में हमारे पापा घर वापस आए जल्दी से जल्दी, ये काम पुलिस का है। संतोष के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सही तरीके से जांच न करने का आरोप भी लगाया है। पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर ने कहा कि पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और जल्द ही पुलिस संतोष पटेल का पता लगाने में सफलता हासिल कर लेगी। इस संबंध में बातचीत करने पर जब मैंने थाने से बातचीत की तो थाने के स्टाफ का कहना है कि लेन देन के मामले के कारण वो शायद व्यथित हैं। 2 लोगों का नाम बताया है जिनका पैसा उनके ऊपर बकाया है, परंतु परिवार वालों का कहना है कि पैसा इन्होंने दे दिया था और कुछ और बिंदु बता रहे हैं, जैसे कि मॉल में दुकान थी और उस मॉल के दुकान को किसी व्यक्ति को बेचा गया है, पर बेचे
जाने के बाद जो है पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया है, और 4 तारीख में कलेक्ट्रेट में कुछ लोगों के साथ देखा गया है। हम इन सब, चूँकि ये पहली बार आज लेकर के आए हैं यहाँ, तो हम इन सब बिंदु पे वर्कआउट कर रहे हैं। कई पीढ़ियों से राज परिवार से जुड़े पूर्व पार्षद कैलाश नारायण गुर्जर की धर्मपत्नी समाज सेवी पुष्पा देवी का राघोगढ़ में निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कई राजनेताओं, समाज सेवियों और अधिकारियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। रिटायर्ड एसओ एमपीईबी और पूर्व पार्षद कैलाश नारायण गुर्जर की धर्मपत्नी समाज सेवी पुष्पा देवी का गुरुवार को निधन हो गया। इसके चलते गुर्जर परिवार शोकाकुल है। पुष्पा देवी के निधन पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित राज परिवार ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। श्रीमती पुष्पा देवी का अंतिम संस्कार राघोगढ़ धीरापुर में किया गया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। इटारसी से आए एक युवक ने भोपाल के 10 नंबर मार्केट में पुलिस से बचने के लिए रिवर्स में 200 मीटर एसयूवी दौड़ा दी, जिससे छतरपुर डीआईजी की गाड़ी समेत 5 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आरोपी ने एक चाय की दुकान पर कुछ युवकों से मारपीट कर पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। उससे पहले ही पुलिस ने धर दबोचा और हबीबगंज पुलिस ने उसके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कर लिया। इटारसी के 23 वार्ड बालाजी मंदिर के पास रहने वाला 26 वर्षीय निक्की राजवंशी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह इटारसी और टीटी नगर में रहने वाली 2 युवतियों के साथ 10 नंबर मार्केट में चाय पीने आया था। वहां युवतियों के साथ कार में मौज मस्ती कर रहे थे, तभी वहां कुछ युवक खड़े थे। उनमें से किसी युवक ने निक्की के साथ बैठी एसयूवी में युवतियों पर फफ्तियां कसी। इस पर बात पर निक्की भड़क गया और युवकों के साथ विवाद करने लगा। निक्की ने एसयूवी में रखा बेसबॉल का डंडा निकालकर जैक नाम के युवक के सिर में मार दिया, जिससे उसका सिर फट गया। इसके बाद हंगामा हो गया। हबीबगंज थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सक्सेना ने कहा कि घटना के समय मैं इलाके में भ्रमण पर था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा तो निक्की ने भागने की कोशिश की। पुलिस घेराबंदी कर उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने रिवर्स में ही 200 मीटर एसयूवी को दौड़ा दिया, जिसमें डीआईजी छतरपुर अनिल महेश्वरी की इनोवा वाहन और 5 4 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें वह गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं निक्की की एसयूवी कार एक नाली में फंस गई, जिसके बाद वह फरार नहीं हो पाया। कार हम लोग मौके पर पहुंचे थे तो एक एसयूवी गाड़ी है ब्लैक रंग की, उसमें कोई इटारसी का एक व्यक्ति है राजवंशी सरने में, तो उसके साथ में 2 लड़कियाँ भी थी और उन लोगों ने यहाँ कोई झगड़ा कुछ लोगों से हुआ है। झगड़ा जिनसे हुआ है वो लोग अभी यहाँ पर हमें नहीं मिल पाए, तो उसके बाद उसने गाड़ी बैक की। हम लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया, राजवंशी को चला रहा था एसयूवी, तो उसने गाड़ी नहीं रोकी और उसने उसके बाद भगाने के चक्कर में, अपने आप को सेव करने के चक्कर में 4-5 गाड़ियां उसने जो है जो 4 व्हीलर्स हैं उनको डैश कर दिया। गाड़ियों में भी नुकसान हुआ है, अगर कोई घायल हुआ होगा तो अभी कोई व्यक्ति ऐसा आया नहीं है, अगर आएगा तो बेहतर रहेगा। घटना के समय आसपास के लोगों ने उसके पास एक पिस्टल से फायर करने की बात भी कही, लेकिन पुलिस को इसकी कार और आसपास इलाके में सर्चिंग की लेकिन कोई हथियार नहीं मिला। सीएसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि निक्की के खिलाफ डीआईजी छतरपुर अनिल महेश्वरी के चालक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूं। मैं हूं जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, ये मानसून तो अभी तक आया नहीं, वही एक हफ्ते से लोग बोले अभी आ रही है आ रही है। मैं अभी स्टेशन से आ रहा हूँ सीधा, वहीं खड़ा हुआ था। वो हर मैं रोज जा रहा हूँ 7 दिन से, मैं समझ में नहीं आ रही मेरे आ कैसे रहे, पैसेंजर से आ रहा है कैसे आ रहा है। मैं अभी वहाँ बैठा बैठा इंतजार करते करते और फिर मेरे को समाचार पढ़ने तो मैं इधर आ गया, बता रहे हूँ। अब पता नहीं कब आएगा मानसून। वही देखो ये कि चेन्नई में इस बार पानी ने किया तेल का मचा है, पानी की कमी हो गई वहाँ भयंकर किस्म की, बता रहे हो बूंद बूंद को तरस गए लोग। और मैं बता रहा हूँ भोपाल वादी हो पानी वानी ज़्यादा मत फैलाया करो, बता रही हूँ ये सवाल के रखो पानी को। वहाँ से 220 किलोमीटर दूर थे वेल्लूर थे ना, टैंकरों से पानी लाना पड़ा चेन्नई, ये थी तो हालत हो जाती है, बता रही हूँ पानी की इज्जत करो। हाँ और भैया ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसी वार्मिंग हो रही है, बता रही हूँ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है, वहाँ मगरमच्छों के हमले बढ़ गए हैं, बता रही हूँ। और हमले तो बढ़ेंगे ही भैया, जब पानी कम हो जाएगा बेचारे कहाँ जाएंगे निकल के, हवा में रहेंगे मगरमच्छ, पानी में रहेंगे, ये तो अब चल गया है। और भैया अमेरिका और ईरान में तो ये जी ठंडी है, बता रहा हूँ। अभी मुझे तो लगता है अभी आकाश में ये जो मिसाइलें हैं ना, इधर से उधर से ये देखने को मिल सकता है, बता रही हूँ। ये तो भुनभुरा है, इराक से जो युद्ध किया था अमेरिका ने उस समय जो मिसाइलें देखने को मिली थी ना, वही स्थिति बन रही है, बता रही हूँ। मैं समझा लो इनको, पकड़ लो भैया, हाँ बहुत बुरा हाल हो रही है, बेहती गर्मी हो रही है। हाँ भैया खबर ये सुन लो, मध्य प्रदेश से नीमच की जेल जो है वहाँ से 4 कैदी फरार हो गए, बताओ वो 22 फीट ऊंची दीवार कूद काद के भाग गए। मैं बता रहा हूँ पुलिस तो दूसरे काम में बिजी है, ये
चेकिंग कर रही है, हेलमेट और पैसे वैसे उगा रही है, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है, दूसरे लोगों को परेशान कर रही है, ये इनमें लगे वो लोग, ये जो कहती है उनको तो बचाओ। हाँ, ये खबर देख लो तबादलों वाली, एक मेरे फ्रेंड है उनका अभी ट्रांसफ़र हो गया, अधिकारी है, और वो गए भैया सामान वामान पैकिंग करके अपने यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, वो पहुँचे, वो भैया जहाँ पहुँचे वो फिर दौड़ते हुए उनको घर जाना पड़ा, उनकी बीवी ने वो पैकिंग वैकिंग खोलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा अरे भैया अभी मत खोलो, रुक जाओ, मेरा दोबारा फिर से ट्रांसफ़र हो गया। ये तो चल गया है। और न्यूजीलैंड में चुनाव हो रहे हैं भैया, और मैं बता रही हूँ वहाँ पे हैं जो आलती वोटर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। आप मॉल जा रहे हो, सुपर स्टोर जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, वहाँ पे एक बॉक्स रख दिए जाएंगे और उसमें अपना वोट डाल दो। ये ऐसा इंतजाम यहाँ भी होना चाहिए, बता रहा हूँ, यह भी बहुत आलतियों की कमी नहीं है, बता रही। और अफगानी पठानों ने भैया इंडिया वालों को निपटा दिया होता भाई, क्रिकेट मैच में भी नेक टू नेक ऐसा भद गया, पसीने छोड़ गए इनके जीतने में, बता रही हूँ। हल्के में मत लो भैया किसी को, बताए वर्ल्ड कप है ये, हाँ कौन कब चल जाए क्या चल जाए, अभी अगला मैच हो रही है वेस्ट इंडीज से, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, इनको भी हल्के में मत लेना, बता रही हूँ। और अभी विराट कोहली का फोन आ रही है, हमें मेरे को प्रैक्टिस कराने जाना है उनको। तो ये नमस्कार, मैं जा रही हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।